दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में आता है कोई सवाल या कोई आता है डाउट कि किसके पास होगा उस सवाल का जवाब, तो गूगल है ना। जी हाँ, गूगल है आपका अपना दोस्त जिसके पास है हर उस मुश्किल सवाल का जवाब। और जब गूगल है साथ में तो हर मंजिल का रास्ता आसान है। बट क्या आप जानते हैं जिस दोस्त का आप इतना भरोसा करते हैं? कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। क्या? आई एम नॉट यार। ऐसा ही शौक दोस्तों मुझे भी लगा था जब मुझे मालूम पड़ा कि गूगल तो एक फ्री सर्च इंजन है, तो वो कैसे पैसे कमाता है, कैसे हमारे डेटा को दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करता है और कैसे उससे अर्निंग करता है। मुझे मालूम है दोस्तों, जब तक सबूत नहीं दिया जाता, जब तक किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं किया जाता है, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे गूगल इज नॉट योर यार। आज जब भी पूरा वीडियो खत्म होगा तो आप एक चीज़ समझ जाएंगे कि गूगल आपको आपसे भी ज़्यादा जानता है। मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके मॉम एंड डैड से भी ज़्यादा आपको वो जानता है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दो वेबसाइट्स का नाम बताऊंगा, adsettings.google.com और myactivity.google.com। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स मिलनी स्टार्ट होती है कि आप क्या क्या एक्टिविटी गूगल के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि गूगल जो है आपकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए, गूगल इज़ वेरी स्मार्ट इंजन, वाई GPS एंड IP ये नेविगेट कर लेता है एग्जैक्टली आप हैं कहाँ पर। अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर ब्लू टिक बन के आती है, तो एग्जैक्टली उसे पता है आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किस जगह पर आप हैं और कितना ट्रैवल इससे पहले कर चुके हैं। माई एक्टिविटी वाले पेज पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि आपने क्या क्या सर्च किया है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके फैमिली से भी ज़्यादा जानता है, तो मतलब वो चीज़ जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप क्या करते हैं, वो आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसकी डिटेल भी गूगल अपने पास सेव कर लेता है और उससे रेलेवेंट ऐड आपको दिखाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा ऐड सेटिंग्स पेज है, जिसके अंदर मैंने नॉर्मली अपनी जो एज है या जेंडर है वो तो मैंने अपनी खुद ही भरी थी जब मैंने जीमेल आईडी बनाई थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे एक लंबी लिस्ट निकल के आती है मेरे इंटरेस्ट की, जो कि मैंने कभी इसके अंदर भरे नहीं। वो इसने बनाए हैं मेरे सर्च रिजल्ट्स के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से इसने बना लिया कि मेरा कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट है। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी थोड़े दिन पहले मनाली घूमने का प्लान बना रहा था, तो मैंने उसमें सर्च किया था नेट पे, उसके बाद मुझे हर मनाली के रिजॉर्ट का ऐड आना स्टार्ट हो गया। वहाँ की जो फ्लाइंग है, वहाँ की जो मतलब कि एयर टिकट है, उसकी मुझे डिटेल आनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा मैंने नेटफ्लिक्स का पैक लिया, तो उनको मालूम पड़ गया कि मेरा इंटरेस्ट जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के अंदर भी है, तो मुझे अमेजोन प्राइम का और इससे रिलेटेड और सर्विसेज का भी ऐड आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये कैसे आपके लिए हार्मफुल हो सकता है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाए। बेसिक चीज़ें बताने के लिए आप सिर्फ चार चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। वैसे तो गूगल की 100+ सर्विसेज हैं जिसके थ्रू आपका डाटा गैदर करती है और उसे कस्टमाइज करके आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लेकिन जो चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो है एज, जेंडर, इंटरेस्ट एंड लोकेशन। अब एज तो मैंने आपको बताई, मैंने इनको बता ही दिया, जेंडर भी मैंने इनको बता दिया है, अब इंटरेस्ट ये मेरे सर्च के हिसाब से बना लेते हैं और मैप्स के थ्रू ये मेरा लोकेशन पता कर लेते हैं। अब अगर मेरी एज स्टूडेंट्स वाली होती तो मुझे डेफिनेटली, अगर मेरी बच्चों की एज होती तो डेफिनेटली मुझे टॉयज़ का ऐड ये मेरे को दिखाते, स्टूडेंट वाली होती तो मुझे बायजूस टाइप की मुझे कुछ ऐड्स ही दिखाते। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा यंग हूँ तो मुझे उसके हिसाब से मुझे ऐड मिलेंगे, और डेफिनेटली ट्रैवल के हिसाब से मुझे अपना ऐड मिलने वाला है, क्योंकि गूगल मैप्स पे अगर आप जाते हैं तो लोकेशन वाइज आपको रेस्टोरों का या फिर आप इस जगह पे हैं ये ऐड आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गूगल जो है वो कॉन्टिन्यूस आपके सर्च पैटर्न को ही नहीं, आपकी वॉइस को भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपने गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना हो तो वो शुरुआत ही आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने से होता है, वो बार बार ही आपको अलग अलग पैटर्न पे बुलवाता है ताकि वो अच्छे से आपकी वॉइस को जो है रिकॉग्नाइज कर सके, और गूगल कभी भी आपकी किसी वॉइस कमांड को जो है वो डिलीट नहीं करता है। ये आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में भी जाकर देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि YouTube पे कोई कमेंट डाल दिया या कहीं पे रिव्यू डाल दिया तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल हर एक उस यूज़र के बारे में जानता है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कौन से डिवाइस से वो कमेंट जो है वो किया गया था, उस यूज़र की एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उसके थ्रू या गूगल मैप्स के थ्रू वो पता लगा लेता है कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। हालांकि ये काफ़ी काम आ सकता है देश के अंदर, अगर जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ने के लिए, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन गूगल जो है ये लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकता है। इसकी वजह से एक एप्पल का इंसिडेंट जो है सामने आया था कि एप्पल ने एक टेररिस्ट का फ़ोन जो है वो अनलॉक करने से साफ मना कर दिया था, हालांकि फ़ोन तो दोस्तों अनलॉक हुआ ना उसके बाद भी। इस तरीके से ऐसा नहीं कि गूगल जो है वो 100% सेफ़ है, आपकी डिटेल भी शेयर की जा सकती है। और रिसेंटली ये देखने में आया कि गूगल के ऊपर भी $5 बिलियन का जो है वो जुर्माना लगाया गया,
क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हुई थी। सो दोस्तों, इसीलिए कहीं पर भी रिव्यू डालने से पहले या कहीं पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करने से पहले ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि गूगल जो है वो आपको देख रहा है। अब ये तो हमें मालूम पड़ चुका है कि गूगल जो है काफ़ी पावरफुल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी फैमिली और फ्रेंड से भी ज़्यादा आपके बारे में रिकॉर्ड वो बना के रखता है। आप एक बारी को भूल सकते हैं कि एक साल पहले आप कहाँ गए थे, लेकिन गूगल जो है इसको याद भी रखता है और रिकॉर्ड भी करके रखता है। तो अगली बारी जब आप कोई ग्रुप फोटो देखे और उसके अंदर अपने चेहरे के ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ देखे कि गूगल ने पहचान लिया है कि ये आपकी पिक्चर है, तो इससे किसी भी तरीके का सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप अपने फ़ोन से पिक्चर लेते हैं तो बार बार ही आपके फेस की पिक्चर लेते वक्त ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये आपकी पिक्चर है और आपने अपनी डिटेल डाल रखी है, तो उसको इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाता चला जाता है कि फिर उसके बाद आप ग्रुप में भी अपनी पिक्चर देखेंगे तो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपकी फ़ोटो है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर गूगल अकाउंट, और वो आप बड़े आराम से सिंपल स्टेप से कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब अपना फोन बेचते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप बेचते हैं तो उससे पहले अपनी डिटेल्स को जरूर उसमें से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके फोन और डेस्कटॉप लैपटॉप की इतनी वैल्यू ना हो जितनी आपके डेटा की हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल वो मेल वेल भेज देगा किसी को या ऐसी कोई चीजें होंगी, तो इस चीज को आप बिल्कुल साइड में रखिए। आपकी टोटल डिटेल इसमें से निकल सकती है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग सकता है कि आप क्या हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं या क्या क्या एक्टिविटी आप करते हैं, तो पूरा पैटर्न उसके अंदर होता है और इसको आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। गूगल माई एक्टिविटी में जाके डिसेबल कर दीजिए, ऐड सेटिंग्स के जाके अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसको चेंज कर दीजिए, ताकि गूगल के पास कम से कम जो है आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर रहे। दोस्तों, हर एक चीज़ का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद अपने गूगल अकाउंट को आप सही तरीके से मैनेज करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।